आज हम लेके उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर, तो भारत में कोरोना मरीजों संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 22,57,572 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 62,064 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,007 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 45,198 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में 9 की मौत, वहीं 390 नए कोरोना मरीज मिले हैं। तो राज्य में कोरोना मरीजों के का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया है। सोमवार को 390 नए मरीज मिले, जिसमें से कुल मरीजों की संख्या 10,021 हो गई है। सोमवार को कोरोना संक्रमित 9 मरीजों की मौत हो गई। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार सोमवार को हरिद्वार में 178, उधमसिंह नगर में 110, देहरादून में 41, नैनीताल में 25, अल्मोड़ा में 6, चमोली में 6, चंपावत में 3, पिथौरागढ़ में 10, रुद्रप्रयाग में 1, टिहरी में 7 और उत्तरकाशी में 2 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। सोमवार को हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में भर्ती 6 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 2 मरीज ने एम्स में ऋषिकेश में दम तोड़ दिया, जबकि 1 मरीज ने महंत इंद्रेश अस्पताल में दम तोड़ दिया। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 10,021 हो गई है। वहीं 6,340 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 3,547 केस एक्टिव हैं। 134 लोगों की मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 2,072, नैनीताल में 1,532, टिहरी गढ़वाल में 598, हरिद्वार में 2,290, उधमसिंह नगर में 1,833, पौड़ी गढ़वाल में 276, अल्मोड़ा में 328, बागेश्वर में 165, चमोली में 119, पिथौरागढ़ में 203, रुद्रप्रयाग में 102, उत्तरकाशी में 350, चंपावत में 154, टोटल मामले 10,021 पहुंच गए हैं। किसी भी हाल में शून्य नहीं होगा शिक्षण सत्र, सितंबर तक खुल सकते हैं स्कूल। बोर्ड परीक्षा कराने पर प्राथमिकता, तो कोरोना के चलते शिक्षण संस्थान भले ही बंद हो गए हों, लेकिन मौजूदा शिक्षण सत्र शून्य वर्ष घोषित नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी प्राथमिकता बोर्ड परीक्षाएं समय पर कराने की हैं। इस बीच 4 महीने से बंद स्कूलों को सितंबर अक्टूबर से फिर खोलने की तैयारी हो रही है। हालांकि इस बारे में अंतिम फैसला देश में कोरोना के हालात का आकलन करके सितंबर के मध्य होगा। तो क्लास का वक्त घटेगा, तो स्कूल खुलने पर समय सीमा 3 या 4 घंटे की रहेगी। इसका मकसद जरूरी विषयों की पढ़ाई करवानी होगी। अलग अलग दिन भिन्न भिन्न विषय की पढ़ाई होगी, कम किताबें लानी होंगी, लंच ब्रेक नहीं होगा। नवंबर तक छठी कक्षा को मौका, तो दिवाली तक यदि हालात सुधरते हैं तो 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को भी शिफ्टों में स्कूल बुलाया जाएगा। हालाँकि सावधानी व नियम तय होंगे। फिलहाल बोर्ड परीक्षा के छात्रों से स्कूल खुलने की शुरुआत होगी, जिसमें आधे छात्रों को एक शिफ्ट में और अन्य को दूसरे शिफ्ट में बुलाया जाएगा। शिफ्ट के बीच 2.5 घंटे का अंतराल होगा, ताकि स्कूल परिसर को सैनिटाइज किया जा सके। पहली शिफ्ट की कक्षाओं में दूसरी शिफ्ट नहीं चलेंगी। एक क्लासरूम में दोबारा क्लास लेने के बीच 15 से 24 घंटे का अंतराल जरूरी होगा। प्रशासन स्कूलों से पूरी जानकारी लेगा। राज्य खुद रद्द नहीं कर सकते अंतिम वर्ष की परीक्षा, तो यूजीसी ने कहा है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्य सरकारें अंतिम वर्ष की परीक्षा निरस्त करने का फैसला खुद नहीं ले सकती। अगर ऐसा होगा तो छात्र की डिग्री को मान्यता देने में परेशानी आ सकती है। यूजीसी ने साथ ही कोरोना महामारी के मद्देनज़र परीक्षा रद्द करने के दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार के फैसले का विरोध किया है। बारिश से गढ़वाल और कुमाऊं में भारी तबाही, तो सितारगंज के लोगों के घरों में घुसा बेगुल का पानी, 250 परिवार प्रभावित हुए हैं। तो मौसम का बिगड़ता मिजाज कुमाऊं से गढ़वाल तक कहर बनकर टूटा है। रविवार की रात से सोमवार दोपहर तक अतिवृष्टि से कई घर, होटल, गौशाले, मार्ग, पुल, पेयजल और सिंचाई परियोजना ध्वस्त हो गई। रुद्रप्रयाग में बादल फटने से 10 घर ध्वस्त हो गए हैं। कुमाऊं में भी तबाही मची है, तो जखोली में बादल फटा है। टिहरी में अतिवृष्टि से 9 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो रुद्रप्रयाग जिले के सिरवाड़ी गांव में रविवार रात बादल फटने के बाद भारी नुकसान हुआ है। राज्य में भारी बारिश से 175 सड़कें बंद हैं। वहीं गढ़वाल में आफत अफसर की मौत हो गई है। तो गोपेश्वर पोखरी मोटर मार्ग पर पहाड़ से गिरे बोल्डर की चपेट में आने से नगर पंचायत पोखरी के अधिशासी अधिकारी नंदराम तिवारी, जो कि 49 साल के थे, की मौके पर मौत हो गई। तिवारी के साथ कार में सवार सेम सिंह अवधेश रावत, उद्यान विभाग के सुपरवाइजर मनोज पुंडीर और आईटीआई कर्मचारी प्रदीप कठेत ने भाग करके जान बचाई। वहीं उत्तरकाशी से खबर आई, जहां पर नैनबाग में आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत हो गई। तो नैनबाग तहसील के अंतर्गत बिच्छू गांव में खोली तोक में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से बिच्छू गांव के खोली तोक निवासी जयेंद्र सिंह, जो कि 50 साल के हैं, मौके पर मौत हो गई।
इसी के साथ आज भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो 7 जिलों में 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। तो मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 12 से 14 अगस्त तक देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, उधम सिंह नगर और पौड़ी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में उपनल कर्मचारी बिना वजह नहीं हटाए जाएंगे। तो उपनल के मार्फत विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी को अब बिना किसी ठोस आधार के नौकरी से नहीं हटाया जा सकता। जो काम नहीं करना चाहते हुए दूसरी जगह तलाश लें। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनहित से जुड़े मुद्दों पर लापरवाही को लेकर के अफसरों व कर्मचारी को फिर सख्त चेतावनी दी है। सीएम ने कहा कि जो अफसर काम नहीं करना चाहते वे दूसरी जगह तलाश लें। कैबिनेट की बैठक 13 को होगी। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में 13 अगस्त को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। पूर्वाह्न 11 बजे सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन में वीरचंद सिंह गढ़वाल सभागार में यह बैठक होगी। सूत्रों ने बताया जा रहा है कि आपदा स्वास्थ्य विभाग और उपनल कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने के साथ ही कई विभागों की नियमावली को हरी झंडी मिल सकती है। बड़ा घर होने पर ही होम आइसोलेशन की सुविधा। तो राज्य में कोरोना के बिना लक्षण वाले मरीजों को सरकार ने अब होम आइसोलेशन को इजाज़त दे दी है। हालांकि यह इजाज़त तभी मिलेगी जबकि संबंधित व्यक्ति का घर बड़ा, खुला और हवादार हो। साथ ही मरीज की देखभाल के लिए साथ रहने वाले व्यक्ति के लिए अलग व्यवस्था हो। एक दो कमरे के घर व भीड़ वाली जगह होम आइसोलेशन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो दिशा निर्देश भी इसके लिए जारी कर दिए गए हैं। तो मरीज को आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य रूप से डाउनलोड व एक्टिवेट करना होगा। ऐप पर दिन में 2 बार सूचना अपडेट करनी होगी। दून में प्रशासनिक अधिकारी की मौत, जज को कोरोना। तो दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक कोरोना संक्रमित 57 वर्षीय मरीज की मौत हो गई। वह कलेक्ट्रेट कार्यालय में तैनात थे। दून विश्वविद्यालय में दाखिले को पंजीकरण 17 से। तो दून विश्वविद्यालय में 2020-21 के एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17 अगस्त से शुरू होंगे। साक्षात्कार 21 अगस्त को होंगे। तो क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में SC ST और OBC अभ्यर्थियों के लिए दिए जाने वाले 6 माह के निःशुल्क टाइपिंग प्रशिक्षण की तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त कर दी है। पहले यह तिथि 15 अगस्त थी। नए सिरे से बनाई जाएगी गैरसैंण झील की DPR। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में पेयजल आपूर्ति की योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नए सिरे से बनेगी। सिंचाई विभाग का कहना है कि यह रिपोर्ट 1 माह में तैयार हो जाएगी। पिरूल से बिजली उत्पादन को बनेंगे मॉडल ब्लॉक। तो पर्वतीय जिलों में पिरूल से बिजली उत्पादन की अधिक संभावना को देखते हुए प्रत्येक जिले में 2 मॉडल ब्लॉक बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्देश पर इन जिलों में DFO को योजना का नोडल अफसर नामित किया जाएगा। पद्म पुरस्कार के लिए चयन प्रक्रिया शुरू। तो देश के सर्वोच्च नागरिक पद्म पुरस्कार को लेकर के अब शिक्षा विभाग की नींव टूट गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने पत्र जारी करके 6 दिन के में सभी कॉलेजों में पद्म भूषण पुरस्कार के लिए आवेदन भेजने को कहा है। यह तब है जब केंद्र सरकार ने इसे 3 माह पहले ही शुरू कर दिया था। तो इसके लिए 18 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सचिवालय में फाइलों की सुस्त चाल से आज उठेगा पर्दा। तो राज्य सचिवालय में फाइलों के सुस्त चाल से मंगलवार को पर्दा उठेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिव स्तर तक के अधिकारियों की बैठक बुला ली है। कुंभ मेले के निर्माण कार्यों की होगी थर्ड पार्टी जांच। तो शहरी विकास मदन कौशिक ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्रदेश में जल्द बनाए जाएंगे 100 FPO। तो प्रदेश सरकार का अब FPO पर फोकस है। तो प्रदेश सरकार ने अब कृषि उत्पादन समूह यानी FPO के गठन में तेजी लाने का फैसला लिया है। अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल करेंगे डिप्लोमा पशु चिकित्सक। तो लंबित मांगों को लेकर के डिप्लोमा पशु चिकित्सालय सेवा संघ 1 सितंबर से हड़ताल करेगा। सुगम क्षेत्रों में अंतर जनपदीय से तैनाती का किया विरोध। तो जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। नई शिक्षा नीति लागू करने का रोड मैप तैयार करेगी सरकार। तो नई शिक्षा नीति को अपनाने और यहां बदलाव करने के लिए सरकार इस ठोस कदम को उठाने जा रही है। इसे लेकर के 17 अगस्त को देहरादून में विभागीय अधिकारी, कुलपतियों व अन्य संबंधित विशेषज्ञों की बैठक बुलाई गई है। अल्पसंख्यक छात्रों को IS PCS की फ्री कोचिंग मिलेगी। तो प्रदेश में अल्पसंख्यक छात्रों को प्रशासनिक IS PCS तकनीकी व मेडिकल परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग दिलाएगा। 15 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन की राज्य स्तरीय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक कुदरत का कहर। तो सिरवड़ी गांव में गधेरे के भेड़ चढ़े 10 मकान व कई पैदल रास्ते। वहीं सितारगंज में बैगुल नदी उफान पर घरों में घुसा बाढ़ का पानी।
घनसाली टिहरी से खबर आई जहां पे 15 पशु मलबे में दबे पैदल पुलिया रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो बिलंगना ब्लॉक के सीमांत गंगी गांव में बीती रात बारिश आफत बनकर आई। गांव के बीचों बीच बहने वाला गदेरा उफान पर आने से 9 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। लोगों ने भाग करके जान बचाई। वहीं 3 गौशाले में के ढहने से 15 पशु मलबे में दब गए। सितारगंज के अरविंद नगर गांव में जल भराव होने से गांव के बाद लोग नाव के द्वारा सुरक्षित स्थानों पर जाते हुए नजर आए। खतरे के निशान तक पहुंचा गंगा का जलस्तर। तो पहाड़ों में लगातार बारिश होने से गंगा का जलस्तर बढ़कर के चेतावनी के निशान पर पहुंच गया है। रुड़की से खबर है जहां पे 3 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। घर में घुस करके युवक की हत्या, प्रेमिका को ले गए। तो काशीपुर से खबर है जहां पे दबंगों ने सोमवार को दिन दहाड़े घर में घुस करके एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और उसकी विवाहिता प्रेमिका को अगवा कर ले गए। पुलिस ने आरोपी पिता और 2 पुत्र समेत 7 के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एक हमलावर ने कुंडेश्वरी पुलिस चौकी में आत्मसमर्पण कर दिया। घटना से क्षेत्र में तनाव है। तो कुंडेश्वरी ग्राम गुलजारपुर मजरा पत्थरपुरी निवासी गौरव कुमार जो कि 22 साल का था, पुत्र सुरजीत सिंह काशीपुर के एक मोबाइल केयर सेंटर पर काम कर रहा था। गोविंद नगर निवासी एक लड़की से उसका प्रेम प्रसंग हो गया। इसका पता चलने पर 8 माह पूर्व परिजनों ने लड़की का विवाह पीरूमडारा निवासी युवक के साथ कर दिया। उसका पति लखनऊ में नौकरी करता है। इधर विवाहिता ने गौरव से संपर्क बनाए रखा। सोमवार तक लड़की विवाहिता के फोन करने पर गौरव उसे अपने घर ले आया और इसके बाद पिता के साथ खेत चला गया। सुबह करीब 10 बजे वह घर लौटा। घर पर उसका भाई दीपक, 2 भाभियां और माँ बुंदा देवी थी। उसका एक भाई टिंकू पंजाब और दूसरा अजय दिल्ली गए हुए थे। सुबह 11 बजे कार में आए 7 लोग गौरव के घर में घुसे। उन्होंने तमंचे की बट से गौरव का सिर फोड़ दिया। बीच बचाव में परिजनों पर भी हमला किया। एक हमलावर ने तमंचे से गौरव के सीने में गोली मार दी। इससे खून से लथपथ गौरव गिर पड़ा। उसके बाद हमलावर गौरव की प्रेमिका को अगवा करके ले गए। 2022 में सत्ता में आएंगे, 2024 तक गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सोमवार को भी प्रदेश सरकार पर हमलावर दिखे। पूर्व सीएम रावत ने बेरोजगारी को लेकर के प्रदेश सरकार पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में रोजगार की हत्या की है। प्रदेश में बेरोजगारी का ग्राफ देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा काफ़ी अधिक है। द्वाराहाट में उन्होंने वादा किया कि 2022 में कांग्रेस की सरकार आने पर 2024 तक गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। देहरादून से खबर आई जहां पर शहर में हर तरफ पानी, दुश्वारियां हुई जिंदगानी। तो भारी बारिश से पुश्ते ढहे हैं मकानों, दुकानों में पानी घुसा है, तालाब में तब्दील हुए हैं गली मोहल्ले। तो चक्राता रोड स्थित मित्रलोक कॉलोनी में नाले के पानी को रोकने का लोग प्रयास करते रहे। वहीं सहधारा रोड पर पानी के बहाव से फंसे बाइक सवार को लोग बाहर निकालते हुए दिखाई दिए। इसी के साथ बारिश से यमुना कॉलोनी के चौराहे पर और दून की दीवारें ढह गई। तेज बारिश के चलते सोमवार को टपकेश्वर महादेव के पास तमसा नदी में उफान पर थी। मलवा आने से मार्ग बंद। तो बरसात के चलते मलवा आने से संतला देवी मार्ग भी बंद हो गया। रेलवे पुल के नीचे कटाव से हड़कंप मच गया। तो देहरादून हरिद्वार रेलवे मार्ग पर दीपनगर के पास रिस्पन्ना नदी पर स्थित रेलवे पुल के नीचे पानी के तेज बहाव से मिट्टी बह गई। पुलिस को खतरे की सूचना से हड़कंप मच गया। रेलवे अभियंताओं की टीम मौके पर पहुंची और पुल का जायजा किया। रात भर हुई बारिश से लुढ़का पारा। तो बारिश होने की वजह से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट देखने को मिली। मसूरी में मौसम की सितम, कई सड़कें बंद हो गई। जगह जगह हुआ भूस्खलन, कई घरों और बिजली के तारों पर पेड़ गिरे। वहीं विधायक जोशी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। कोरोना संक्रमित प्रशासनिक अधिकारी समेत 4 लोगों की मौत हो गई। तो देहरादून कलेक्ट्रेट में तैनात 57 वर्षीय अधिकारी एम्स में 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दून में जज समेत कोरोना के 41 नए मामले सामने आए। जेल भेजने से पहले होगा कोरोना टेस्ट। तो DIG ने जारी किया है दिशा निर्देश। एयरपोर्ट से पकड़ा गया CR। तो जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुसीबत का सबब बने एक और CR को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। घर में खींचकर युवती से छेड़छाड़, मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो देहरादून से खबर है जहां पे कोतवाली थाना में युवक ने एक युवती को घर में खींचकर उससे छेड़छाड़ की
ऑनलाइन भुगतान के बहाने 93,000 रुपये ठगे गए हैं। स्वरोजगार योजना के आवेदनों को जल्द निपटाएंगे बैंक, तो डीएम ने आदेश दिया है। तो जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि बैंक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लंबित आवेदनों को जल्द निस्तारित करें। तो जन्माष्टमी को लेकर के जगह जगह तैयारियां हैं। तो गृहस्थ लोग आज रखेंगे व्रत। तो गृहस्थ लोग मंगलवार को कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। श्री टपकेश्वर श्री पृथ्वीनाथ मंदिर भी सजाए गए हैं, हालांकि इस बार झांकियां नहीं निकाली जाएंगी। वैष्णव 12 अगस्त को जन्मोत्सव मनाएंगे, घर में ही मनेगी जन्माष्टमी, नहीं होंगे सार्वजनिक कार्यक्रम। जेल भरो आंदोलन करेंगे बीएसएनएल संविदा कर्मी, तो एक साल से मानदेय नहीं मिलने पर से परेशान हैं। टिहरी में 7 और चमोली में 6 कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में एक एक मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उलगरा गांव में 100 से ज़्यादा लोगों के सैंपल लिए गए हैं। वहीं टिहरी में 2 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। तो वार्ड नंबर 5 और प्रताप नगर ब्लॉक के जड़की गाँव को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। सी ग्रेड सेब का समर्थन मूल्य 9 रुपये घोषित किया गया। तो प्रदेश सरकार ने सी ग्रेड सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य 9 रुपये घोषित किया है। चमोली जिले के काश्तकारों के लिए जिला उद्यान विभाग ने 5 केंद्र बनाए हैं, जहां काश्तकार उत्पादित सेब बेच सकते हैं। केदारनाथ यात्रा शुरू, सोनप्रयाग से 451 श्रद्धालु धाम को रवाना हुए। तो गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर आवाजाही शुरू होते ही केदारनाथ के लिए 451 श्रद्धालुओं को प्रस्थान 441 श्रद्धालुओं ने प्रस्थान किया। मार्ग पर घोड़ा खच्चरों का संचालन अब भी बंद है, साथ ही कई स्थानों पर रास्ता अति संवेदनशील होने से खतरा बना हुआ है। अतिक्रमण करने वालों पर हो कार्रवाई, तो नई टिहरी से खबर आई है। बांसवाड़ा विद्याधाम और मुनकटिया में दिन भर ठप रहा गौरीकुंड हाईवे। कार पर पहाड़ी से पत्थर गिरने से ईओ की मौत हो गई है। तो खबर है चमोली से। इस खबर आई है ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर 1.5 घंटे तक यातायात ठप रहा। वहीं गंगोत्री हाईवे का 10 मीटर हिस्सा धंसा है। तो बीआरओ के जवान ने पहाड़ काटकर यातायात को सुचारू किया। सेना कर रही है 1 किलोमीटर पैदल आवाजाही। तो हाईवे बंद होने से बद्रीनाथ नहीं जा पा रहे हैं यात्री। बारिश से कई सड़कों पर आवाजाही ठप हो गई है। तो थराली से खबर आई है। चमोली जिले में 18 सड़कें और 200 पैदल मार्ग बंद हो गए हैं। रिसाव होने पर रसोई गैस सिलेंडर में आग लगी है। तो नई टिहरी से खबर आई, जहाँ पे 6 लोग झुलस गए हैं, 3 की हालत गंभीर है, हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया है। बिना आरटीओ पास के सड़कों पर दौड़ रहे हैं वाहन। तो नई टिहरी से खबर आई है, जहाँ पे लोगों से वसूल रहे हैं मनमर्जी किराया। नई टिहरी से खबर आई, जहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी को उनके घर पर ही सम्मानित किया जाएगा। श्रीनगर से खबर आई है, युवती को मारने वाला गुलदार आदमखोर घोषित कर दिया गया है। तो मलेथा में युवती को शिकार बनाने वाला गुलदार घटना के 2 दिन बाद आदमखोर घोषित कर दिया गया। परसूता को 8 किलोमीटर पैदल पहुंचाया सड़क तक। तो 2 दिन पहले बच्चे को जन्म देने के बाद परसूता की तबीयत खराब होने पर ग्रामीण ने उसे कुर्सी के सहारे करीब 8 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क तक पहुंचाया। गढ़वाल में सावन का आखिरी सोमवार, शिवालयों में गुजी भोले की जयकार। तो गढ़वाल से खबर है, जहाँ पे सावन माह के अंतिम सोमवार की शिवालयों में भक्तों का तांता उमड़ पड़ा। इस दौरान भोले की जयकारों से शिवालय गूंज उठे। छात्रावासों में प्रवेश को लेनी होगी अनुमति। तो खबर है श्रीनगर से, जहाँ पे गढ़वाल विश्वविद्यालय ने छात्रावास में लौटने वाले छात्रों से तहसील प्रशासन के नोडल अफसरों से अनुमति लेने के निर्देश दिए हैं। चौरास स्थित छात्रावासों में आने के लिए छात्रों को तहसीलदार कीर्तिनगर और श्रीनगर स्थित छात्रावासों में आने के लिए तहसीलदार श्रीनगर को लिखित अनुमति लेनी आवश्यक होगी। तो इन नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं। 10 सितंबर से प्रस्तावित हैं मुख्य परीक्षाएँ। इसी के साथ खबर आई है, छात्र परेशान, हेल्पलाइन जारी करे महाविद्यालय। तो आगामी 10 सितंबर से प्रस्तावित मुख्य परीक्षाओं के संबंध में गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं की समस्या और शंकाओं का अंबार लग गया है। 3 सूत्री मांगों को एबीपी ने दिया धरना। तो वानिकी उद्यानिकी में 50-50 सीट बढ़ाने की मांग उठाई है।
गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों का धरना जारी है तो देवस्थानम बोर्ड भंग करने और यात्रा रोकने की मांग उठाई गई है। हरिद्वार की खबरों की बात करें तो हरिद्वार से खबर है जहां पे खतरे के निशान तक पहुंचा गंगा का जल स्तर, तो प्रशासन हाई अलर्ट पर है। एहतियातन तटबंधों पर बसे लोगों को सावधान किया जा रहा है। वहीं खबर है घोटाले के आरोप में डाकघर का पोस्टमास्टर हुआ निलंबित, तो धनोरी क्षेत्र के दौलतपुर गांव स्थित डाकघर में लाखों की घोटाले के आरोप में पोस्टमास्टर को निलंबित कर मुख्य डाकघर से अटैच कर दिया गया है। लोक सेवा आयोग के एक अधिकारी कोरोना संक्रमित मिले हैं, तो कोरोना की गिरफ्त में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के एक अधिकारी भी आ गए, इससे विभागीय अधिकारी चिंतित हैं। 3 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, तो रुड़की से खबर आई है। जिले में 1125 हेक्टेयर बढ़ा गन्ने का रकबा, तो रुड़की से खबर आई है। क्षेत्रीय व्यापारियों ने दी अनशन की चेतावनी, तो बॉर्डर खोलने या 50,000 लोगों को आने की अनुमति प्रदान करने की मांग उठाई है। तो क्षेत्र के व्यापारियों ने राज्य सरकार की ओर से उन्हें कोई राहत न देने और नियमों की ढील न बरतने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि व्यापारी आर्थिक व मानसिक रूप से परेशान है, ऐसे में प्रदेश सरकार को व्यापारी के हितों में ध्यान में रखते हुए जल्द ही बॉर्डर खोलना चाहिए या फिर यात्रियों की संख्या बढ़ाकर प्रतिदिन 50,000 करना चाहिए। धोखाधड़ी के आरोप में 2 इनामी धरे गए हैं, तो हरिद्वार से खबर है जहां पे फर्जी दस्तावेज से लोन पर लिए थे 2 ट्रैक्टर। रावली महदूद में ग्रामीणों का थाने में प्रदर्शन, तो हमलावरों की गिरफ्तारी न होने पर भड़के, कहा अपराधियों को पकड़ने के बजाय पीड़ितों पर ही हो रही है कार्रवाई। तो हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई न होने से विरोध में रावली महदूद के ग्रामीणों ने सोमवार को सिडकुल थाने का घेराव किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस अवैध धंधे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित परिवारों का उत्पीड़न कर रही है। वहीं खबर आई है पथरी से जहां पे हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की उठाई गई मांग। कनखल क्षेत्र में 3 पुलियाँ होंगी चौड़ी, तो हनुमानगढ़ी दक्ष मंदिर और रामदेव की पुलिया का पर होगा काम। लक्सर रुड़की की 22 किलोमीटर सड़क को स्वीकृति मिल गई है। इस खबर आई है शादी कर हरिद्वार में रह रही 2 साल से लापता युवती, तो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 2 साल पहले मंडावली इलाके से अपहृत एक युवती को हरिद्वार से सकुशल बरामद किया। युवती एक युवक से शादी कर हरिद्वार में रह रही थी। लोहे की रेलिंग चोरी में करते 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया, तो हरिद्वार के कनखल से खबर आई है। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की, तो आज बिराजेंगे कन्हाई, घर घर सजेगी बधाई। अब कैंप में होगी कोरोना की जांच, तो खबर आई है हल्द्वानी से जहां पे कोविड मरीजों की जांच अब कैंप लगाकर होगी। कोरोना से अधेड़ बुजुर्गों की मौत का आंकड़ा सबसे ज़्यादा है। कंटेनमेंट जोन के विरोध में लोग सड़क पर उतरे हैं, तो हल्द्वानी से खबर है जहां पे राजपुरा माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाने के खिलाफ लोग धरना देने के साथ ही विरोध प्रदर्शन पर उतर गए। एसटीएच में ब्लड बैंक में खून की कमी, तो 12 यूनिट खून ही बचा है। बेस अस्पताल में 51 यूनिट खून उपलब्ध है। वहीं खबर है कोविड वार्ड में बेहोश हो गई पर्यावरण मित्र, तो ड्यूटी के दौरान चाय और पानी न मिलने पर किया हंगामा, प्राचार्य का घेराव किया गया है। तो कोविड वार्ड में ड्यूटी के दौरान एक पर्यावरण मित्र बेहोश हो गई, इसके बाद अन्य पर्यावरण मित्र एसटीएच पहुंच गए और प्राचार्य का घेराव कर जमकर हंगामा किया। क्वारंटाइन सेंटर पहुँचने राजकीय मेडिकल कॉलेज के एक कर्मचारी से भी उनकी नोकझोंक हो गई। वहीं खबर है 12 साल के सन्नी को वीरता पुरस्कार की सिफारिश, तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नैनीताल जिले के रामनगर निवासी 12 साल के सन्नी को वीरता पुरस्कार देने की सिफारिश की है। आयोग की ओर से उत्तराखंड बाल कल्याण परिषद को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। वहीं बहादुर किशोर को विधायक ने भी सम्मानित किया, तो कोसी नदी में डूब रहे युवक को बचाने वाले किशोर को विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने सोमवार को कार्यालय में सम्मानित किया। हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे महिला प्रोफेसर और पति की मौत के बाद भी नहीं हुआ भुगतान, तो उच्च शिक्षा विभाग का हाल, परिजनों ने शासन और उच्च शिक्षा निदेशालय से गुहार लगाई है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो आर्मी रिक्रूटमेंट रैली की शुरुआत करें आवेदन, तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है, तो इसके लिए सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के कई पद खाली हैं, तो 17.5 से 23 साल तक एज रखी गई है। इसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं, तो 22 सितंबर तक इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। वहीं यूपीएससी मेडिकल
ऑफिसर सहित कई पद रिक्त हैं, तो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो upsconline.nic पे जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसमें शुल्क 2500 रुपये रखा गया है। वहीं 13 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है। बैंक में नौकरी की बेहतरीन मौका, तो SBI में 3850 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो SBI की साइट में जाकर आवेदन करना होगा। तो 16 अगस्त इसकी अंतिम तिथि है। इसी के साथ LDC सहित कई पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, तो इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट यहाँ पर दी गई है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो 31.5 लाख की खरीदी एम्बुलेंस, जिले में शिविर लगाए सिर्फ 39। तो टनकपुर में 25 लाख रुपए कीमत की बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस खरीदी गई। एक हफ्ते के भीतर इसका संचालन होगा, लेकिन पहले से मौजूद एम्बुलेंस 9 साल से जंग खा रही हैं। वहीं खबर आई है मुंशियार से, जहाँ पे थापा के लोग गाँव में ही हुए कैद, तो तहसील कार्यालय पहुँचकर ठोस पुनर्वास नीति न बनाने पर नाराजगी जताई है। बोल्डर की चपेट में आने से BRO के ऑपरेटर की मौत हो गई है। तो खबर है धारचूला से, बारिश का कहर, मुनसारी के होटल जमीदोस, कई पुल बह गए हैं। तो थापा गांव में 12 मकान ध्वस्त हो गए हैं। काली नदी और रामगंगा सहित अन्य नदी उफान पर हैं। सरयू के टापू पर फंसे लोगों को पुलिस ने निकाला है। तो बेड़ीनाग पुलिस ने सेराघाट के पास सरयू नदी के पास एक टापू में फंसे 40 मवेशी और 8 लोगों को रेस्क्यू किया। मुनसारी के सैंथल में लकड़ी का कच्चा पुल बनाते BRO के मजदूर। अमोड़ी छटकोट सहित 6 सड़कें बंद हैं। वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ के गंगोली से, जहां पे नियोलिया सेरा से शुरू नहीं हुआ पुल का निर्माण। तो 2017 को ट्रकों के एक साथ गुजरने के कारण कुलूर नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया था। वहीं बांस बगड़ पहुंचे पूर्व CM, आपदा पीड़ितों को सुना है। वहीं खबर आई है देश की गुलामी की जंजीर से आज़ाद कराने के लिए 3 बार जेल गए थे बल्दिया। कोरोना संक्रमित महिला का प्रसव कराया गया है। तो चंपावत से खबर आई है, जहां पे रक्ताल्पता की शिकार महिला का 8वां प्रसव था। टनकपुर से खबर आई है, जहां पर पुलिसकर्मी दंपति समेत बच्चा भी संक्रमित मिला है। वहीं खड़ी बाजार में 13 व्यापारी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। दिव्यांग क्रिकेटर राजेंद्र धामी ने सरकारी नौकरी की मांग उठाई है। क्वारंटाइन प्रवासियों के लिए खुले कंट्रोल रूम, तो यहां पे नंबर दिए गए हैं। तो जिले में नए प्रवासियों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। इस दौरान प्रवासियों को किसी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। तो यहां पर इसमें नंबर भी दिए गए हैं। लोहाघाट में कोरोना जांच के लिए नहीं पहुंची व्यापारी, तो स्टेशन बाजार में व्यापारियों की कोरोना टेस्ट के लिए लगाए गए शिविर में एक भी व्यापारी नहीं पहुंचा। SC ST बहुल गांव में लगेगी 900 सोलर लाइटें। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, जहां पे उरेडा जिले में जिले की 75% से ST SC आबादी वाले गाँव में 900 सोलर लाइटें लगाई जाएंगी, जबकि 600 लाइटें अन्य ग्राम पंचायतों में लगाई जाएंगी। शिव महापुराण कथा ऑनलाइन प्रसारित, तो खबर आई है लोहाघाट चंपावत से। वहीं चंपावत से खबर, जहां पे चंपावत में 2733 प्रवासियों को मिला मनरेगा में रोजगार। प्रदेश में पद्म भूषण पुरस्कारों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो केंद्र सरकार ने 3 महीने पहले शुरू की थी प्रक्रिया, 6 दिन का समय और दिया गया है। तो 16 अगस्त तक आवेदन की मांग की गई है। तो कॉलेजों में प्रवेश को मात्र 10 दिन शेष रह गए हैं। तो खबर आई है नैनीताल से, जहां पे कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की अंतिम तिथि 20 अगस्त है। ऑनलाइन जमा करने होंगे फॉर्म। UPSC परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले अमित दत्त को सम्मानित किया गया है। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो सितारगंज में बेगुल उपनाई, 250 घरों में घुसा बाढ़ का पानी। तो वहीं नाव के जरिए घरों में सुरक्षित स्थानों पर कई परिवार जाते हुए दिखाई दिए। चावल के कट्टों में से भरा मिनी ट्रक पकड़ा गया है। तो काशीपुर से खबर है, जहां पर SDM ने सूचना पर छापा मारकर चावल के कट्टों से भरा एक ट्रक पकड़ करके उसे पूर्ति विभाग को सुपुर्द कर दिया। बाजपुर से खबर आई है, जहां पे ढाबा संचालकों से मारपीट के मामले में CBI जांच शुरू हो गई है। भांग से केसर जैसे असाध्य रोगों
से लड़ने की कवायद। तो पंतनगर से खबर है जहाँ पे भांग की अतीत में नशे का ही एक रूप माना जाता है, लेकिन अब वैज्ञानिक कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज भांग यानी कैनाबिस से करने का उपाय ढूंढ रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए हर व्यक्ति खुद हो जागरूक, तो डीएम रुद्रपुर के डीएम रंजना राजगुरु ने जनता से अपील की है। जिले में रिकॉर्ड 195 संक्रमित मिले हैं, प्रशासन में खलबली मच गई है। तो रुद्रपुर के वार्ड नंबर 4 में सबसे अधिक 65 मामले सामने आए हैं। बिना मास्क मंडी पहुंचने पर 10 लोगों का जुर्माना किया गया है। और इसी सत खबर आई रुद्रपुर से जहां पर सामुदायिक संक्रमण का खतरा बढ़ने लगा है। गौरव हत्याकांड, शव ला रही एम्बुलेंस को चौकी के सामने रोका गया है, जाम लगाया गया है। तो गौरव हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर के ग्राम गुलजारपुर और बाजावाला के ग्रामीणों ने शव पुलिस चौकी के सामने ले जाकर के जाम लगाया। वहीं खबर आई है रुद्रपुर खटीमा से जहां पर होम क्वारंटाइन और लॉकडाउन उल्लंघन पर 14 पर केस दर्ज किया गया है। बस अड्डे के लिए प्रस्तावित जमीन निकली कम। तो गदरपुर से खबर है जहां पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की ओर से हाईटेक बस अड्डे के निर्माण की घोषणा, परवान चढ़ने से पहले ही जमीन के पेच में फंस गई। लॉकडाउन अवधि की फीस माफ करने को कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया गया है। वही खबर है 4 दिन बाद भी पेयजल लाइन की मरम्मत नहीं हुई। तो काशीपुर से खबर आई है 3 महीने में 37 दिन मिलेगा बच्चों को मिल्क पाउडर। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से आंगनवाड़ी केंद्रों से अब 3 से 6 साल के बच्चों को 3 महीने में 37 दिन मिल्क पाउडर दिया जाएगा। संदिग्ध परिस्थितियों में 19 साल के युवक पंखे से लटका मिला। तो काशीपुर से खबर आई जहां पे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सौंप दिया है। तो आवास विकास कॉलोनी में रहने वाला एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से लटका हुआ मिला। काशीपुर से एसटीपी के काम होगा ढेला और गंगा का प्रदूषण। वहीं खबर आई है बाजपुर से जहां पे बाइक सवार को घेर करके मारपीट की गई है। सवा माह पहले नवजात की मौत मामले में 3 सदस्यीय जाँच कमेटी गठित की गई है। तो सीएमओ डॉक्टर डीएस पंचपाल ने 3 दिन के भीतर मांगी जांच रिपोर्ट। वहीं खबर है काशीपुर से जहां पर महिला के घर पर पथराव करने वाले मामा भांजे पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मारपीट में ससुराल और मायके पक्ष के लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो जसपुर से खबर आई है वहीं पंतनगर में चाकू के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। 2 करोड़ से बदले की अनुसूचित जाति के 20 गांवों की तस्वीरें। तो रुद्रपुर से खबर है जहां पे ग्राम विकास कार्यक्रम के तहत ग्राम प्रधान बना रहे हैं विलेज डेवलपमेंट प्लान। शारदा नदी का जलस्तर बढ़ा, रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है।